नेता की परिभाषा में जब तक 150 लोगों का माल न मारे, 150 लोगों के जमीनों पर कब्जे न करे और सताए ना, तब वो नेता नहीं बनता। कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो, इंशाल्लाह अगर सपा की सरकार आएगी तो आपके पेशाब में चिराग चलवाने का काम करूंगा। विधायक के ऊपर कह रहा हूं कि जो 7 पेटों की गोली लगवाई है, तेरे पक्ष से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। बहुत सारे हिसाब किताब है, अगर आपके सारे हिसाब किताब कर ले हैं, आपको अपने सारे हिसाब लेने हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना है, तो अपने बेटे अपने लाल को खादिम बनाना पड़ेगा। जब भी चुनाव आए, जनवरी के लास्ट के हफ्ते में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो, पूरे देश चलो मैं माना, पूरे देश में धरना इकट्ठा हो। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, 25-30 से ज्यादा चुन कर आए ना, तो मुझे किसी भगवान होंगे चप्पल का हाथ मिलाकर घुमा देना महलों में। सारे इकट्ठा हो जाए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। मेरी आप सभी से ये अपील है, सभी कैराना के लोगों से और आस के जितने भी गांव के हैं जो यहाँ कैराना में सामान लेते हैं, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है, थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। मुसलमानों को कमजोर समझ रहे हैं, मुसलमान कमजोर नहीं है इस देश में। 40 करोड़ से ज्यादा इस देश में मुसलमान है। उन्होंने उस वक्त मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा लिया, अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमान अपनी बहरहाल कुर्बानी देगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा।